हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रूपम ब्यूटी पार्लर में। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि हमारे स्किन पे जो स्पॉट हो जाते हैं और जो एक्ने के निशान छोड़ जाते हैं, टैन हो जाती है, उसको हम कैसे रिमूव करें। तो उस क्रीम का रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और डेमो भी दिखाएंगे। तो आप लोग देख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा, इसका रिजल्ट कैसा है, यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोनों चीज़ आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोग को बता दें, हम किसी कंपनी का, किसी ब्रांड का हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के तक हम अच्छी क्रीम को भेज सकें, आप लोगों तक अच्छी क्रीम पहुँच सकें, तो वो चीज़ हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, वो चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि हम अपने कस्टमर पर यूज किए, खुद पर यूज किए, फिर हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। अभी हम अपने फेस पर केवल फेस वॉश करके बैठे हुए हैं, कोई भी क्रीम नहीं लगाए हैं, कुछ भी नहीं लगाए हैं, इसीलिए कि आप लोगों को हमें डेमो दिखाना था। मतलब डायरेक्ट आप लोग इसका रिजल्ट देखिएगा कि आप लोग को इसका रिजल्ट कैसा लगा और इसका रिजल्ट अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो इसीलिए हम अपनी स्किन पे कोई भी क्रीम नहीं लगाए हैं, बस सीधे ऐसे फेस वॉश करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चलिए हम पहले प्रोडक्ट को दिखा देते हैं। यह नेचर्स का लैक्टो टैन क्लियर क्रीम विथ पैक है। इसको जो है, अब ये देखिए, टैन को रिमूव करता है। मिल्क और विटामिन ई से बना हुआ है। विटामिन ई जो होता है, हमारे जो दाग धब्बे होते हैं उसको रिमूव करता है, लाइट करता है, जो कि हमारे दाग धब्बे छुप जाते हैं, हमारे फेस पे साइन आती है। और जो मिल्क होता है उससे जो हमारे फेस पे टैन होती है, जो सन टैन हो जाती है, जो सूरज के किरणों से हमारे फेस पे जो स्किन हमारी डैमेज हो जाती है उसको रिमूव करता है। तो ये जो है टैन रिमूव क्रीम है विथ पैक, इस जो है दोनों चीज़ इसी में है, क्रीम भी है इसमें, मतलब एक क्रीम बेस पे है और पैक की तरह इसको इस्तेमाल करना है। अभी हम आपको डेमो करके दिखाएंगे और इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलाना है जिससे हमें और अच्छा रिजल्ट दिख सके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। तो देखिए, जो मिल्क होता है, कच्चा दूध जो होता है, टैन को दूर करता है, विटामिन ई जो होता है दाग धब्बों को दूर करता है और उस हमारी स्किन पे ग्लो को ले आता है। जो हमारी स्किन डल होती है, ग्लो सीरम का जो विटामिन ई होता है, विटामिन ई का सीरम होता है, विटामिन ई का कैप्सूल होता है, तो ये हमारे जो फेस पे जो दाग पड़ जाते हैं, जो हमारी स्किन डल दिखती है, तो उसमें हमें जो मदद करता है, उससे हमारी स्किन अच्छे से ग्लो करती है। तो इसमें मिल्क विथ विटामिन ई है, तो इसीलिए ये जो है टैन रिमूव क्रीम विथ पैक है। अब इसको लगाने से देखिए, हमारे फेस के टैन तो दूर होंगे ही होंगे और हमारी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, और इसको लगा अच्छी भी हो जाएगी और थोड़ी सी चमकदार होगी, जो कि ग्लो करता है। हम इसीलिए अपने फेस पे अभी कोई भी क्रीम नहीं लगाए हैं कि हमें आप लोगों को डायरेक्ट दिखाना था। तो और इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इसमें देखिए ऐड में क्या करना है, जैसे देखिए ये जो है ये भी नेचर्स का पिगमेंट वाले सीरम है। तो जो हमारे फेस पे दाग, हमारे अगर फेस पे टैन है, दाग धब्बे हैं, अगर ये पिगमेंट वाले सीरम हमारे पास है तो इसको हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर ये नहीं है विटामिन ई सीरम, तो इसमें पहले से ही है, उसको नहीं मिलाना है। और अगर आपके फेस पे पिंपल्स के जो दाग हैं, अगर वो हैं तब आपको इसे इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं तब आपको इसको नहीं लगाना है, तब आप लोग इसको न लगाइएगा। वैसे ऑल स्किन टाइप के लिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिनके फेस पे पिंपल्स हैं उनको नहीं लगाना है। ऑयली स्किन वाले लगा सकते हैं, फेस के ऊपर जो दाग हैं पिंपल्स वाले वो लोग भी लगा सकते हैं, बस केवल एक्ने अगर है फेस पे तब आपको नहीं लगाना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, किस तरीके से बनाना है और लगाते किस तरीके से वो भी हम देखते हैं। तो इस क्रीम को हम एक अंदाज से निकाल लेंगे, जो कि हमारे फेस पे जितनी लग जाए हमें उतना ही बनाना है। अभी हम आपके फेस पे, अभी आप लोगों को हम केवल अपने फेस पे दिखाने वाले हैं, नेक एरिया पे नहीं लगाएंगे। तो अगर आपको नेक एरिया पे लगाना है तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रोडक्ट को लेना पड़ेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस देखिए 80T का सीरम है, तो आप 80T का सीरम ले सकती हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है। अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। हम यहाँ पे लेंगे ये पिगमेंट वाले,
क्योंकि हमारे फेस पे थोड़े थोड़े कहीं कहीं पिंपल्स के भी दाग हैं, थोड़े थोड़े झाइयाँ के भी दाग हैं हल्के हल्के लाइट से, तो इसलिए हम इस सीरम को मिलाएंगे। तो हमें इस पैक इस क्रीम में एक अच्छा रिजल्ट दिखे, एक्स्ट्रा हम यही चीज़ मिलाएंगे, एक्स्ट्रा हमें हमारे फेस पे काम दिखे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पिगमेंट वाले सीरम है, ये भी लैक्टो का ही देखिए, ये भी ये लैक्टो 10 क्लियर है, ये भी नेचर्स का है और ये भी नेचर्स का है, दोनों सेम ब्रांड हैं। अगर दोनों सेम मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर सेम नहीं मिलते हैं तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप इसमें सीरम मिलाएंगी। अगर ऑयली स्किन है तो आपको टी ट्री का मिलाना है, अगर आपके फेस पे दाग धब्बे हैं, आपको दाग धब्बे को दूर करना है तो आपको इस सीरम को मिलाना है। अगर आपके फेस पे दाग धब्बे नहीं हैं, ब्लेमिस नहीं है, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है, और आप केवल इसे भी लगा सकती हैं, इसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें विटामिन ई है, इसमें विटामिन ई पहले से ही है, तो इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दाग धब्बे हैं तो इसको मिलाना है, ऑयली स्किन है तो इसको मिलाना है। अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो हम इसे मिलाएंगे क्योंकि हमारे फेस पे थोड़े से पिंपल्स के भी दाग हैं और हल्के से लाइट झाइयां भी है, और हमें ज़्यादा नहीं लेना है। देखिए थोड़ी सी क्रीम लिए हैं, दो तीन, बस इतना सा ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, अच्छे से क्रीम और सीरम मिक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, लगाने से पहले हमें अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो हम क्लीन करने के लिए क्या लेंगे, हम क्लींजिंग मिल्क को भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का क्लींजिंग मिल्क हो तो उसको ले सकते हैं, फेशियल वाइप्स होता है उसको ले सकते हैं, ये फेशियल वाइप्स है तो इसको ले सकते हैं, और अगर हमारी स्किन ऑयली है तो हम इससे क्लीन करेंगे जो कि ये एस्ट्रीजेंट है। स्किन हमारी ऑयली है तो एस्ट्रीजेंट से हम क्लीन करेंगे, लेकिन अगर हमारे फेस पे पिंपल्स हैं तो हम इस पैक को नहीं लगाएंगे, हमें इस पैक को नहीं लगाना। अगर इतने पिंपल्स फेस पे हैं तब दाग हैं तो हमें लगा लेना है, वो टैन दूर होगा, वो दाग धब्बे दूर होंगे, पिंपल्स है तो नहीं लगाना है। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि समझ में आए। देखिए ये पार्लर का तरीका होता है, ऐसे तो आप डायरेक्ट इस क्रीम को भी ला के डायरेक्ट लगा सकती हैं, लेकिन अगर इतनी सारी चीज़ें हम ऐड करके काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो हमारे फेस पे एक्स्ट्रा दिखता भी है, एक्स्ट्रा ग्लो दिखता भी है। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं किस तरीके से लगाना है। ये हमारे फेस पे पूरे अच्छे से लग गए, इसे हम आँखों के ऊपर भी लगा सकते हैं क्योंकि ये बिना केमिकल का है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने हाथों को गीला करेंगे और इसको भी गीला करेंगे इस तरीके से, ज़्यादा नहीं, हमें 5 मिनट तक हम इसके ऊपर हम मसाज देंगे।
रिजल्ट आप लोग के सामने है। देखिए आपके कुछ मतलब क्लीन कर रहे हैं, जो चीज़ ऐड की है वो भी आप लोग को दिखा दिए, अब आप लोगों के सामने ही क्लीन हो रहा है। अगर आप लोग बाहर निकल रही हैं इस पैक को लगाने के बाद, तो आप इस पे सनस्क्रीन को लगा सकती हैं। अगर बाहर नहीं निकल रही हैं तो सनस्क्रीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस पैक को रिमूव करके ऐसे ही छोड़ सकती हैं, क्योंकि इसमें आप एक्स्ट्रा सीरम मिला चुकी थी और इस पैक के बाद आपकी जो स्किन होगी वो ड्राई नहीं होगी, खिंची खिंची सी नहीं लगेगी, तो आपको ऐसे भी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस पैक को रिमूव करने के बाद आप अपनी स्किन को ऐसे ही छोड़ सकती हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बिना केमिकल का है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, आप इसे आँखों के ऊपर लगा सकती हैं, अगर आपके लिप्स काले हैं तो आप उसके ऊपर भी लगा सकती हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।